ओके बिग बॉस के वाइकर्ड एंट्री, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? यू नो हिंदुस्तानी भाव की एंट्री हुई है अंदर, काफी सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसके ऊपर ये कहकर कि जब कि वो डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि उनके अपशब्दों के बारे में तो सब कोई जानता ही है, उनके बिहेवियर के बारे में भी जानता ही है, इस पर आपका क्या कहना है? सी आर है, ये तो वैसी वाली बात हो गई, अपशब्द तो सब बोलते हैं लेकिन कहाँ बोलने हैं, अगर आपको अपशब्द बोलने हैं कहाँ बोलने, उस पर डिपेंड करता है। अगर बिग बॉस ने उसे चूज़ किया है तो किसी रीज़न से चूज़ किया है, और हिंदुस्तानी भाव एंटरटेन अच्छा कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव मैं क्या थोड़ा सीनियर हूँ तेरे से, तो एक तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि लड़कियों से मत लड़ छोटे, तो क्या है लड़की से लड़ रहा है, एक तो तू हिंदुस्तानी भाव बन रहा है और फिर लड़की से लड़ रहा है, मेरे भाई हिंदुस्तान की इज्जत तो रख छोटे, हिंदुस्तान की इज्जत रख, हिंदुस्तान के भाव कैसे होने चाहिए, लड़की कुछ बोले जी मैडम थैंक यू मैडम हाँ मैडम रिस्पेक्ट वुमन छोटे। तू एक एपिसोड के पहले ये बोल रहा था कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की तमीज़ करो, दूसरे एपिसोड में तू लड़की को बोल रहा है ये चुपचाप बैठ रहा है कागजा बोल रही है कागजा कर रही है, तो ये थोड़ा मेरा जान थोड़ा इंटरटेन कर, तू किसी से लड़ मत, इंटरटेन कर। सॉन्ग के बारे में सॉन्ग चंदा जुबैर ने और उसने गाया ना दानिश अल्फाज, न्यू सिंगर्स, वेरी नाइस सिंगर्स, बहुत अच्छा गाना गाया उन लोग ने, और द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज ऑल द इन्फ्लुएंसर जितने भी है टॉप के, दे आर ऑल इन वन सॉन्ग, यू नो फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड दे आर डूइंग गुड, एक्चुअली वेरी गुड। मैं लो आप मीडिया से हैं तो आपने पूरा रिसर्च नहीं किया, हमें बताया नहीं है, हमें अगर हम थोड़ा इंटेलिजेंट है थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपसे पूछेंगे क्या, हमें सर्च ये नए आए मीडिया में अच्छा एजाज जैसा बिग बॉस में आपका अंदाज देखने मिला था, एजाज जैसा आपका बिग बॉस में अंदाज देख, अरे डोंट मीडिया मीडिया लड़ाई मत करो मत करो मत करो, डोंट फाइट मीडिया, आजकल वकील और पुलिस लड़ रहे हैं, मीडिया मीडिया मत लड़िए। मैडम मैं ये शो को होस्ट कर रहा हूँ तो आप पीआर है तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम होस्टिंग द शो, अच्छा आप रिपोर्ट मीडिया से, अच्छा तो हाँ हाँ आप पूछिए ना, आपको जो क्वेश्चन पूछिए पूछिए ना पूछिए, हाँ मैं होस्ट हूँ मैडम इस शो में, होस्टिंग आई एम डूइंग, और कोई सवाल पूछना चाहती है? मुझे एजाज जैसा आपका बिग बॉस में अंदाज देखने मिला था तो क्या वैसा ही अंदाज इसमें भी देखने मिलेगा, हालांकि आप होस्ट है तो क्या सलमान की तरह आप डांटते हुए नजर आएंगे या फिर क्या कुछ होने वाला है? यार सी द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो इज दिस इज नॉट अ बिग बॉस शो, यू नो बिग बॉस इज अ वेरी डिफरेंट शो, दिस इज अ टॉकर्स हाउस एंड इट्स ऑल्सो रियालिटी शो, बट इसमें क्या है कि सारे जो इन्फ्लुएंसर है उनको एक ही घर में रखना है और वो लोग के साथ मेरे को उनको जज भी करना है तो प्रॉपरली करना है, बिकॉज लाइक सलमान भाई ऑल्सो सी एनी होस्ट, भाई इज़ द बेस्ट होस्ट यू नो इन बिग बॉस, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलना है, अगर सही है तो सही बोलना है, आप रिस्पेक्ट वुमन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस, क्योंकि आप देखिए कोई भी घर होता है उसमें लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन एक मर्यादा के अंदर उसको रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो होस्ट का काम है कि अगर कोई कंटेस्टेंट गलती करता है तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ इंस्पिरेशन लिया सलमान भाई से आपने या फिर कुछ? इज द इंस्पिरेशन यार, इज माय आइडियल एंड आई लव हिम वेरी मच, एंड सलमान भाई से यही के शो को एंटरटेनमेंट के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, अगर इफ़ इज़ नॉट इंटरटेनिंग नहीं है शो तो इट्स बोरिंग, तो भाई का एक अंदाज बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा आते ही पहले इंटरटेनमेंट करते हैं उसके बाद फिर डांटना शुरू करते हैं। सॉन्ग में मैं होस्ट हूँ और डॉन के घर हम रहते हैं उसे टॉकर्स हाउस हम कहते हैं, तो डॉन इज मी एंड टॉकर्स हाउस इन साइड एवरीबडी, एंड डॉन सिनेमा ऑल्सो दे आर कमिंग विथ
very good shows and very good films and series and all this, but this is the best show they are doing it. The best show. Okay, just aap kaafi controversies mein beech mein, you know, gusse hue the and bahut sari cheezon mein ulje hue the. Do you think usse take over kar paaye hain abhi? Controversy se? No, no, I walk, I talk, I know. I'm with controversy because सच बोलोगे तो कंट्रोवर्सी होगी, झूठ बोलोगे तो नहीं होगी. तो आई एम अ ट्रू गाय एंड आई डोंट केयर बिकॉज सी आई वॉन्ट टू सी दैट माई सन. अभी ही वॉज आस्किंग मी, ही सॉ वन वीडियो एंड आस्किंग, पापा ये पुलिस और वकील क्यों लड़ रहे हैं? अब मैं इसे क्या जवाब दूँ? तो इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ कि इनका जो आने वाला फ्यूचर है बच्चों का. पहले मैं उतना सीरियस नहीं था अबाउट माई सेल्फ बिकॉज जब तुम्हारे बच्चे होते हैं, व्हेन यू हैव किड्स अराउंड यू, सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारा देश कहाँ जा रहा है ये हमें देखना चाहिए, और मीडिया का उसमें कितना बड़ा रोल है ये भी हमें देखना चाहिए कि मीडिया क्या दिखा रही है और मीडिया को क्या दिखाना चाहिए. और जो टाइटल्स मीडिया देती है मुझे, क्योंकि एजाज खान इज़ अ पंचिंग बैग, कोई भी टाइटल दे दो वीडियो चलेगा, 2 मिलियन व्यू आ जाएंगे, घर चलेगा, रोटी खाएंगे, मज़े करेंगे. तो ये थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि अब आई हैव अ सन, जो सच है वही लिखो, जो सच है वही टाइटल दो. नहीं तो ऐसा लगता है एजाज खान ने कहा सलमान खान ये है, वो टाइटल देख के 100 लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन अंदर मैंने भाई की तारीफ की होती है. तो जो टाइटल है वही दिया करो यार. डिजिटल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू चेंज द इंडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिग बॉस के वाइल्ड एंट्रीज के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? यू नो, हिंदुस्तानी भाव की एंट्री हुई है अंदर, काफी सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसके ऊपर, ये कहकर कि जब कि वो डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि उनके अपशब्दों के बारे में तो सब कोई जानता ही है, उनके बिहेवियर के बारे में भी जानता ही है, इस पर आपका क्या कहना है? सी यार, ये तो वैसी वाली बात हो गई, अपशब्द तो सब बोलते हैं लेकिन कहाँ बोलने हैं. अगर आपको अपशब्द बोलने हैं कहाँ बोलने, उस पर डिपेंड करता है. अगर बिग बॉस ने उसे चूज़ किया है तो किसी रीज़न से चूज़ किया है. और हिंदुस्तानी भाव एंटरटेन अच्छा कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव, मैं क्या थोड़ा सीनियर हूँ तेरे से, तो एक तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि लड़कियों से मत लड़ छोटे. तो क्या है, लड़की से लड़ रहा है, एक तो तू हिंदुस्तानी भाव बन रहा है और फिर लड़की से लड़ रहा है. मेरे भाई, हिंदुस्तान की इज्जत तो रख छोटे, हिंदुस्तान की इज्जत रख. हिंदुस्तान के भाव कैसे होने चाहिए, लड़की कुछ बोले, जी मैडम, थैंक यू मैडम, हाँ मैडम, रिस्पेक्ट वुमन छोटे. तू एक एपिसोड के पहले ये बोल रहा था कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की तमीज़ करो, दूसरे एपिसोड में तू लड़की को बोल रहा है ये चुपचाप बैठ रहा है, काय कैसा बोल रही है, काय कैसा कर रही है. तो ये थोड़ा मेरा जान थोड़ा इंटरटेन कर, तू किसी से लड़ मत, इंटरटेन कर. थैंक यू Janu, you want to say something? Yeah. Say, here, yeah. Yeah, mic, you know? I want to say one Papa dialogue. Hi, hi. गाना गा, तेरा भाई की छटकी गई तो तेरे गले में अटकेगी, तेरी जमान सर पे लटकेगी और तेरी आत्मा डोंगर बस्ती में भटकेगी, समझे के नहीं? सिंग सॉन्ग, सिंग सिंग अ सॉन्ग. नो, अच्छा, हु इज योर फेवरेट इन टॉकर्स हाउस? जन्नत जुबैर एंड यू. हाय हाय, जन्नत जुबैर जी, क्या बात है. मतलब जन्नत, सी द फ्यूचर, यू आर फेमस एंड यू हैव अ गुड वॉइस, गॉड ब्लेस यू. And you did very good. Thank you. Oh, you come here, man. So he's the man behind everything. He's the man behind this show. And Noor Siddiqui, the casting director. Casting director. Noor Siddiqui, please come here. This man is my very old friend. और ये वो आदमी है जिन्होंने इतने सारे टिकटॉकरों को कास्ट किया है. मतलब सबको हिंदुस्तान से एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक एक शो में. इज़ अ वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर. आई विश हिम ऑल द लक एंड मैं मेरे भाई को भी विश करना चाहता हूँ एंड ऑल द टिकटॉकर्स, जितने भी टिकटॉकर्स हैं सबको विश यू ऑल द लक. वी विल रॉक, वी विल एंटरटेन इंडिया एंड वी विल मेक देम लाफ, वी विल मेक देम क्राई, वी विल फाइट, बट प्यार से. लेकिन हिंदुस्तान भाव की तरह लड़की से नहीं लड़ने का.
आपका नाम बताओ और आप घर में किस किस तरीके से खेलने आए हैं वो बताएं। हाय हेलो दोस्तों, मैं इसराइल अंसारी, आप लोग तो जानते होंगे मुझे, बहुत सॉन्ग शूट हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने सारे टिकटॉक स्टार मतलब फेमस लोग, बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लग रहा है, आगे क्या होने वाला है आप लोग की दुआ से, आप लोग का प्यार से सॉन्ग बहुत अच्छा गया, लोगों को बहुत अच्छी लगेगा और लोग बहुत वायरल होगा, बहुत लोग से सुनेंगे, तो मैं चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा गाना शूट करने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सब टिकटॉक वालों के साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोग भी पसंद किए मुझे, काफ़ी लोग को भी अच्छा लगा और काफ़ी लोग भी खुश होते हैं अपने से, तो अपने को भी बहुत खुशी होती है कि यहाँ तक एक छोटी फैमिली से, गांव से फैमिली से यहाँ तक मैं आया आज, मतलब लोग बोलते हैं भाई तुम जो भी बने खुद से दम पे आए, खुद से मेहनत से आए यहाँ तक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि मैं इतना कुछ करके यहाँ तक पहुँचा, आप लोग की दुआ से, आप लोग के प्यार से। आप लोग भी देखिए सॉन्ग गाना बहुत मस्त है, नाइस, थैंक यू सो मच। और क्या टिकटॉक जो घर में आप जाने वाले हैं, क्या आप जानते हैं सबको या फिर अंदर जाने के बाद सबसे मिलेंगे? काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ, मिलूंगा भी, अभी ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी लोग भी जानते हैं, काफ़ी लोग को भी मैं जानता हूँ, काफ़ी लोग भी मुझे जानते हैं, और अंदर क्या होने वाला है कुछ लोग भी बताएंगे, खुद से भी मुझे जानना ज़रूरी है, तो अभी यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, आगे क्या होता है, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा उससे